हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज है गाइस 28 अप्रैल और मैं आया हूँ गिरड़ में और ये मेरे मामू बहुत प्यारे प्यारे ऐसा तो काफ़ी टाइम बाद हम गिरड़ आए। 5 साल से ज़्यादा हो गए गिरड़ आए। तुम कितने टाइम बाद आ रहे हो? मैं ऊपर ही है। हाँ मामू, छह साल तो। और ये हमारे गरीबों का समी स्टाइल है गाइस। ये हमारा सस्ती क्रिएटर, जिनको रिव्यू लाइक्स नहीं आते तो ये किसी और का उपयोग करते हैं। अगर तुम कभी आए हो तो कमेंट करके बताना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर नहीं आए हो तो मैं तुम्हारे को एक्सप्लोर करवाऊंगा आज गिरड़ कैसा है, क्या है ना। अभी हम नीचे हैं, अपन ने कर दिया अपने बस पार्क, पूरी फैमिली आई है और यहाँ पे थोड़ा नीचे एक दरगाह है, वहाँ पे ज़ियारत करके फिर अपन ऊपर जाएंगे पहाड़ी में, है ना। पैदल जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे बोलते। चलना, पैदल चलने का मजा ही अलग है। हम तो आप जहाँ जैसे ले आएंगे वैसे अपन पैदल चलेंगे, टेंशन मत लो। चलो रास्ते में अंदर सब दिख जाते। चलो तो अपन ने कर दिया अपनी बस पार्क, तो नीचे कुछ ऐसा नज़ारा है। ये पहाड़ी है, ऊपर में भी दरगाह है, वहाँ पे भी जाएंगे। यहाँ पे और भी टूरिस्ट लोग हैं, यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है ना। तो ये है पार्किंग एरिया, और पार्किंग एरिया से जैसे अपन थोड़ा आगे आते हैं इधर, तो यहाँ पे मज़ार है। यह दरगाह, यहाँ पे चादर और चादर की शॉप है, चादर वादर लेना रहा तो यहाँ से ले सकते। और ये है मस्जिद, ये मस्जिद है, और ये है नीचे एक दरगाह। यहाँ ज़ियारत करते हैं फिर अपन ऊपर जाते हैं, है ना। चलो मिलते हैं फिर। यहाँ पे और भी है शॉप चादर की, ये एक और है। इधर भी गाड़ी आड़ी लगी है, पार्किंग बना के रख दी इधर भी, इतना बड़ा मैदान छोड़ के यहाँ पे गाड़ी खड़े कर रहे हैं। तो गाइस हमने बकरा भी लाया है, इसको कुर्बानी करेंगे ऊपर ले जाके, इसको ऊपर ले जाके कुर्बानी करेंगे और इसकी बनाएंगे बिरयानी। अपन ने क्या बोलते हैं मैच का इंतजाम भी करे हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे दरगाह है और दरगाह के बाहर ही ये देखो ये कुआँ है, काफ़ी पुराना कुआँ है और इसमें अभी भी पानी आता है। देखो यहाँ पे लेडीज़ लोग नीचे कुएँ से पानी निकाल रही है ना। तो बचपन में जब हम आते थे ना तो कुएँ के अंदर नहाते थे, पता है, बड़ा मज़ा आता था। तो गाइस अपन अभी दरबार के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि तुम ये काले पैंट वाले, काले गमछे वाले को देख सकते हो, यहाँ पे काम करता है दरबार के अंदर। दरबार के अंदर गालियाँ बक रहा था ये जाहिल इंसान, और अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था वहाँ आए लोगों से। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली ज़ियारत करके बाहर आ गए, अब जाएंगे पहाड़ी पे ऊपर। ये अपनी बस खड़ी है तो अंदर लफड़ा हो गया था, थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, ज़्यादा ही अपने आप को डॉन समझ रहा था, बदमाश समझ रहा था। तो गाइस फाइनली अपन ऊपर पहाड़ी वाले दरगाह की तरफ आ चुके हैं, और अपन ने मुर्गा भी लाया है, और ऊपर का कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे तुम जैसे कि देख सकते हो। और एक चीज़ तुमको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे पार्किंग है और जैसे ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना, जहाँ पहले हम नीचे वाली दरगाह पे थे वहाँ से निकले सीढ़ियाँ आती है ऊपर, जो हम बचपन में चढ़ के आते थे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता था ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने का। लेकिन हम फिलहाल अभी अपने बस से ही ऊपर आए, सीढ़ी चढ़ के नहीं आए, लेकिन सीढ़ी चढ़ के ऊपर आने का मज़ा ही अलग है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बकरे को और मुर्गे को कुर्बानी कराने के लिए जा रहे हैं गाइस, तो बने रहिए गाइस, हम तुम्हारे को कुर्बानी भी दिखाएंगे गाइस। नहीं ज़्यादा वल्गर हो जाएगा, कुर्बानी नहीं दिखाएंगे, नहीं तो क्या बोलते YouTube रेस्ट्रिक्ट कर देगा हमारा वीडियो और हम पैसा नहीं कमा पाएंगे।
सो गाइस ये ऊपर की दरगाह है, ये देखो संडे है आज तो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ना। यहाँ पे भी सब अपने बकरे वगैरह लेके बैठे हैं कटवाने के लिए, तो हम भी जा रहे हैं गाइस अपना बकरा और मुर्गा कटवाने के लिए। ऊपर में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है ना। लगन नंबर आता। सो गाइस फाइनली अपना बकरा भी कट चुका है और ये बाजू में दरगाह है और ये दरगाह के बिल्कुल सामने में देखो ये एक तालाब है, छोटा सा गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पानी है और ये गड्ढे के अंदर इतने सारे कछुए हैं ना, ये देखो बदख भी है वहाँ पे, ये देखो बदख है और इसके अंदर कछुए भी है, तुमको कछुए दिखाते हैं हमारे को दिख रहे होंगे। देखो ये कछुआ, ये देखो कछुआ, इतने सारे कछुए हैं यहाँ पे, इतने सारे कछुए हैं कि पता नहीं गिनती नहीं है। वो देखो तुम्हारे को दिखाता, वो देखो पत्थर के ऊपर कछुए बैठे हैं वहाँ पे, तुम्हारे को दिख रहे कि नहीं दिख रहे पता नहीं, ये पत्थर के ऊपर कछुए बैठे हैं धूप सेकते हुए। ये एक बाहर निकला हुआ, ये कछुआ है। जब भी अभी थोड़ा भीड़ है नहीं तो लोग डरते हैं, नहीं तो मस्त बाहर आके इधर पत्थरों पे बैठे रहते हैं लोग। देखो अभी मैं उधर साइड से नहीं गया, इधर साइड आया, कछुए जहाँ पे बाहर बैठे थे दिखाता तुम्हारे को। वो देखो गाइस बाहर कछुआ बैठा हुआ है, ये गए पानी में, ये देखो गाइस ये भाग रहे पानी के अंदर, ये गए पानी के अंदर, ये एक और बाहर बैठा है, ये देखो गाइस कछुआ, ये नहीं गया, ये नहीं डरूंगा नहीं बोलता मैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा, मज़ा आ रहा है और वो बैठा अपना गरीबों का समीर स्टाइलो। हाँ मेरी जान वो समीर। अब सुबह से घर से निकले थे, सिर्फ नाश्ता करके निकले थे है ना, और अभी शाम होने वाली है, 4 बज रहे हैं तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही, मैंने कुछ खाया नहीं, तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, फिर बाद में अपना बकरा तो कट के चले गया, फिर उसकी बनेगी बिरयानी, फिर शाम को बिरयानी खाएंगे है ना। काम धंधा कर ले कुछ, यहाँ पे बैठा है, ये देखो कछुआ, ये देखो बदख, ये इधर और दो बदख, ये इधर वाइट वाले बदख। बता कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली बार जब तेरी शादी रहेंगी ना तब आएंगे अपन है ना। शादी का नाम लिया और औरत का फ़ोन आ गया तेरे को, और साला जी मिस कॉल मारने की आदत जाएंगी नहीं तुम लोगों की। हाँ गरीब अलग गरीब। और यहाँ पे अपने को नहीं क्या बंदर भी देखने को मिलेंगे, ये एक बंदर यहाँ बैठा है, और भी बहुत से लोग हैं और एक बंदर ही ये बैठा है यहाँ पे खा गया। आप कुछ बोलना चाहोगे? चलो बंदरों को चने खिला के आएंगे। चलो ये पानी तो गाइज यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है गाइज, तो मैं मोदी जी से कृपा करना चाहूँगा, टंकी लेके यहाँ पे एक आधी कुआ खोदा जाए, टंकी साथ में ले जाइए। और यहाँ पे एक बंदर ये टंकी में सीढ़ी पे बैठा हुआ है, वो ऑपरेटर है, वहाँ का ऑपरेटर है, वो वहाँ का ऑपरेटर। अच्छा, जो मेन रहता है सिक्योरिटी, जो मेन यहाँ का पानी की जो सुविधा है और टंकी का जो मेन साफ सफाई का ख्याल रखता है वो है। अच्छा, तो मैं अभी थोड़ा बागेट के बाहर आया हूँ, तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है यहाँ का, कितना प्यारा नज़ारा है गेट का, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, समीर स्टाइलो इन द हाउस बेट। और ये गाइस अकेले अकेले गोला खा रहा है गाइस, हमारे को जरा भी नहीं पूछ रहा गाइस, आपका घूम गए थे देखो बोला काम धंधे कर यहाँ पे गोला खा रहा है, हमारे को भी चाहिए खिलाएगा, 10 ही रुपये है, देख यही हरकतें की वजह से वही लेके नहीं जाता हूँ। तो गाइज अपना ये बिरयानी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो
तो अपन खा के आए अभी चूड़ा उड़ा खा के आए, बढ़िया एकदम पेट भर गया। अब बिरयानी खा के होती कि नहीं होती मालूम नहीं, बिरयानी रेडी होने को तैयार है अपनी, है ना। अब ये कितना जाता पेट के अंदर कितना नहीं मालूम नहीं, है ना, क्या बोलते मुमानी। हमारे मुमानी शकल नहीं दिखाना चाहते कैमरे में अपनी, बिकॉज इज प्राइवेसी, क्योंकि ये गलती से फेमस ना हो जाए इसीलिए ऐसा कर रहे तो थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, फिर अपन थोड़ा खाना वाना खाएंगे, है ना। अब यहाँ से कितना टाइम निकल लगता निकलने को, कितना नहीं पता नहीं। तैमूर फंगर लेके घूम रहा है। ए हेलो गाइस, चल जा उधर जाके बैठो, नाना के पास जाके बैठो, जाओ। आ जाओ तो गाइस यहाँ बंदर बैठे हैं गाइस, और यहाँ पे लोग बैठे थे तो बंदर ने उनके आंग में पॉटी कर दिया तो हम बंदरों को ये फुटाने खिलाने वाले हैं। आ जाओ। मैंने ये पूरे गिरा दे रहा, वो खा रहा नहीं, ज्यादा ज्यादा गिरा दे रहा, जितना खा रहा नहीं उतना ज्यादा गिरा दे रहा। तो गाइस अभी फातिमा वाली है गाइस, अभी हम ये हम पहाड़ी वाली के दरगाह वहाँ ऊपर जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली अपन अंदर से ज़ियारत करके आ चुके हैं, और अभी खाना बन चुका होगा तो अब आप जाके खाना खाएंगे, ठीक है। बिरयानी वो भी बकरे की, इसके मुँह से देखो अभी जब अरबे जरा मुँह बनकर पूरा पानी बाहर बह रहा समीर स्टाइल हो, समीर स्टाइल तो है, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कितना भी चश्मा लगा ले गॉगल लगा ले, है ना। आ चल ना पारू, ऐसे सस्ते क्रिएटर को चप्पल चप्पल उतार के मैं तो गाइस खाना शुरू हो चुका है गाइस। देख खाने में क्या है, वो तो होता है वैरायटी, खाने में बिरयानी है गाइस, और कुछ क्या। अल्ताफ राजा खाना खिला रहे गाइस, लाओ पानी पिला रहे गाइस हम लोगों को। ये गाइस हम यार टाइम पास कर रहे बकरे हम पहले है नागपुर शहर के, जो नागपुर से सिर्फ कटिनो दाढ़ी बनाने आए तो हम इस वीडियो को यही पे खत्म करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नए भाभी के साथ गुड बाय। ये भी अच्छी एंडिंग।